सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं आपके साथ भिंडी की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि खाने में काफी मजेदार लगती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे हम बहुत ही कम सामान में बिना किसी झंझट के बहुत ही कम समय में तैयार करने वाले हैं। एंड अगर आप इस तरीके से भिंडी की सब्जी बनाते हैं तो आप इसे आसानी से 5 से 7 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये फ्रेश ताजा भिंडी ली है। भिंडी का वजन करीबन 500 ग्राम है। यहाँ पे मैंने भिंडियों को पहले से ही अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, साथ ही इसका सारा पानी सुखा दिया था। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भिंडी है उसमें एक भी नमी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अब हम इसकी चॉपिंग कर लेते हैं। तो चॉपिंग करने के लिए हम इसके दोनों साइड को निकाल देंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे मैंने एक चक्कू ले लिया है एंड जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम इसके दोनों साइड्स को निकाल देंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद इसके बीच में हम स्लिट करेंगे जहाँ पे हमें इसमें मसाला भरना है। तो कुछ इस तरीके से हम भिंडी में चीरा लगा लेंगे एंड इसे हल्का सा फैला देंगे। इससे क्या होगा कि जो मसाला हम भरेंगे ना, उसे भरने में आसानी होगी। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें भिंडी को काटना है। तो सारी भिंडी को हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं, इसके दोनों साइड्स को निकाल देंगे एंड इसमें हम बीच में चीरा लगाते जाएंगे। देख सकते हैं भिंडी को काटना कितना सिंपल है। तो सारी भिंडियों को हम इसी तरह से काट के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सारी भिंडियों को काट के तैयार कर लिया है, एक ही बची हुई है, तो उसे भी हम फटाफट से काट के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो सारी भिंडियां हैं वो एकदम से तैयार हो गई है। तो अब हम भिंडियों को रख देते हैं साइड में एंड चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की ओर, यानी कि हम मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें एक प्लेट ले लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच के करीबन धनिया का पाउडर। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीबन होममेड हल्दी। ये हल्दी मैंने घर पे खुद ही बनाई है, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड किया 1 चम्मच के करीबन ये कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच ये गरम मसाला, आप या फिर जो भी सब्जी मसाला यूज करते हैं सब्जी में वो ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। 1/2 चम्मच के करीबन हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे भुने हुए जीरे का पाउडर। साथ ही ऐड कर लेंगे हम 1 चम्मच के करीबन ये आमचूर का पाउडर। आमचूर का पाउडर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे स्किप ना करें। साथ ही हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे कि 10 से 12 मैंने लहसुन ली थी, इसे मैंने क्रश कर लिया था। तो इस सब्जी में लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप हो सके तो लहसुन को ऐड करें। एंड अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच के करीबन ये सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाने में यूज करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, जैसे जो सारे मसाले हैं वो आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो जब तक ये सारे मसाले हमारे अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाते हैं, हम इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हमें ध्यान रखना है कि इसमें हमें कोई पानी वगैरह नहीं ऐड करना है। जो 2 चम्मच हमने तेल ऐड किया था ना, उसी की हेल्प से हमें इसे मिक्स करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने मसाला मिक्स कर लिया है, मिक्स होने के बाद मसाला कुछ हमारा इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं मसाला एकदम से हमारा बनके तैयार है। तो अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे हमारी भिंडी एकदम से तैयार है, साथ ही हमने मसाला भी तैयार करके रख लिया है। तो फटाफट से हम इसकी स्टफिंग कर देते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने भिंडियों को पहले से ही चीरा लगा के रखा था। हम इसे हाथों से हल्का सा फैलाएंगे, उसके बाद जो हमने मसाला तैयार करके रखा हुआ था ना, उसे इसमें भर देंगे। हमें ध्यान रखना है कि इसमें ज्यादा स्पेस तो होती नहीं है, तो ज्यादा मसाले हमें नहीं भरने हैं। जितने मसाले इसमें आसानी से आ जाएं, उतने मसाले की स्टफिंग हमें इसमें करना है। तो कुछ इस तरीके से हमने भिंडी में मसाला भर लिया है। देख सकते हैं कितना आसान है इसे भरना। तो अब हम जो सारी भिंडियां हैं उसमें हम कुछ इसी तरीके से मसाले की स्टफिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी भिंडी भी हमारी एकदम से तैयार है। इसे भी हम प्लेट में रख देते हैं एंड उसके बाद जो बची हुई भिंडियां हैं उसकी हम स्टफिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी भिंडियों की स्टफिंग कर ली है, भिंडी हमारी एकदम से तैयार है। तो यहाँ पे मैं आपको एक भिंडी दिखाती हूँ कि इसकी स्टफिंग हमने कितनी बराबर से की है। देख सकते हैं अगर आप इस तरीके से भिंडी की स्टफिंग करते हैं तो आपको इसे पकाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भिंडियां हमारी तैयार है, चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले से ही गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी थी। जैसे ही कढ़ाई हमारी गर्म हो जाती है,
हमें तेल वगैरह कुछ नहीं ऐड करना है, डायरेक्ट जो हमने भिंडी स्टफिंग की थी उसे हम ऐड कर देंगे। तो हमें सावधानी के साथ इसमें सारी भिंडियों को एक एक करके ऐड कर देना है। हमें ध्यान रखना है कि हमें भिंडी को किस तरीके से कढ़ाई में ऐड करना है, तो हमें इसे एक बार फैलाते हुए ऐड करना है और उसके बाद जो बची हुई भिंडियां होंगी हम उसे उसके ऊपर एक बार फिर से फैला देंगे। इस तरीके से क्या होगा कि जब हमें भिंडी को पलटने में आसानी होगी। तो सारी भिंडियों को मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से ऐड कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच की करीबनी सरसों का तेल ऐड किया है। आप जो कुकिंग ऑयल यूज करते हैं खाने में वो ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने जो मसाला थोड़ा सा हमारा बच गया था उसे भी हम इसमें ऊपर से ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट तक हमें इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। 5 मिनट हो गए हैं, हम एक बार इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भिंडी है हमारी अभी एकदम से ग्रीन है, ये एक भी पकी नहीं है। तो इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, एक बार हम इसे चला देते हैं एंड जो नीचे की भिंडी है उसे ऊपर कर देंगे एंड ऊपर की भिंडी जो है उसे नीचे कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी सारी भिंडी है वो एक बराबर पक पाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस हमें एकदम हल्के हाथों से करना है, अदरवाइज क्या होगा ना कि जो मसाला हमने भिंडी में स्टफ किया था वो बाहर आने लगेगा। तो हमें हल्के हाथों से सारी भिंडियों को पलट देना है। तो कुछ इस तरीके से हम सारी भिंडियों को उलट पलट देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी भिंडियों को पलट दिया है। तो अब हम इसे कवर करके वापस से 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही पकने देंगे। 7 मिनट हो गए हैं, हम एक बार इसे वापस से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भिंडी का कलर एकदम से चेंज हो गया है, क्योंकि भिंडी जो है हमारी एकदम से सॉफ्ट हो गई है। इसे हमने 1 से 2 बार बीच में और चला लिया था एंड अगर हम इसे लो फ्लेम पे पकाते हैं तभी भिंडी हमारी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो पाती है। अगर हम इसका फ्लेम हाई कर देते हैं तो भिंडी हमारी जल जाएगी सॉफ्ट होने की बजाय। तो भिंडी हमारी एकदम से तैयार है। तो कर देते हैं गैस का फ्लेम ऑफ एंड यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये मसालेदार भिंडी बनके एकदम से तैयार है। तो इस भिंडी की सब्जी को बनाने में हमने यहाँ पे एक भी बूंद पानी का यूज नहीं किया है, जिसकी वजह से हम इस भिंडी की सब्जी को 5 से 7 दिनों तक आसानी से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इसका टेस्ट इसी तरह बना रहेगा। तो देख सकते हैं हमारी गर्मा गर्म भिंडी की सब्जी बनके एकदम से तैयार है। आप इस तरीके से भिंडी की सब्जी बनाएं, इसे नॉन चावल या फिर दाल चावल के साथ सर्व करें, ये खाने में काफी मजेदार लगती है एंड इसे आप अपने बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं, उनको भी इसका टेस्ट काफी पसंद आएगा। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।